सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, फुल बेजललेस डिस्प्ले हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, गाइस फाइनली ये आते वीवो की तरफ से। वीवो ने अपने कॉन्सेप्ट फोन यहाँ पर लॉन्च कर दिया MWC 2018 में, जिसका नाम है वीवो एपेक्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, क्या कुछ आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्या कुछ आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले से देखने को मिलता है। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वीवो की। तो वीवो के लिए एक थम्स अप बनता है, क्योंकि गाइस जो अंडर द ग्लास फिंगरप्रिंट स्कैनर है वीवो ने ही सबसे पहले वर्ल्ड वाइड लॉन्च करा था, वीवो X20 प्लस नाम के स्मार्टफोन के साथ में। देन उसके बाद में यहाँ पर वीवो एक और एक नए स्मार्टफोन के साथ में आया, इसका नाम है वीवो एपेक्स करके। गाइस, यहाँ पर जो इसके हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका डिस्प्ले। गाइस, यहाँ पर आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। गाइस, आपको टॉप में साइड्स में कोई बेजल देखने को नहीं मिलता है, और नीचे एकदम चिन जो है वो बहुत ही कम बेजल देखने को मिलता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो आपको 98% का देखने को मिलेगा, जो कि शाओमी के मीमिक्स और मीमिक्स 2 से भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो गाइज, यहाँ पर जो डिस्प्ले पूरा का पूरा आपको बेजल लेस डिस्प्ले, या आप बोल सकते हैं थ्रू बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलता है। गाइज, यहाँ पर जो डिस्प्ले की साइज है वो रखी गई है 6 इंच, और ये एक OLED डिस्प्ले रहने वाला है, मतलब AMOLED डिस्प्ले रहने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि वीवो मतलब इतने अच्छे इनोवेशंस ला रहे हैं, इतने अच्छे अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्मार्टफोन वर्ल्ड में ला रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक और एक इसकी जो मेन बात है वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। गाइस, बैक में तो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया है, फ्रंट में तो जगह नहीं है, बट गाइस अगर बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो यहाँ भी आपको अंडर द ग्लास फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। गाइस, अगर वीवो X20 प्लस जो कि पहले लॉन्च हुआ था वहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर कुछ प्लेसमेंट देखने को मिलता था, बस एक आपके थंब रखने की जगह थी वहाँ पर ही आपको रखना पड़ता था। बट यहाँ पर जो वीवो का एपेक्स स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको नीचे का जो आधा डिस्प्ले आप बोल सकते हो, यहाँ पर एक स्क्वायर बड़ा सी बना हुआ आता है, उसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंट अपना प्लेस करना है, देन ऑटोमेटिकली वहाँ पर फेस मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर से लॉक हो जाए मतलब अनलॉक हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आपको एक तो फुल व्यू वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल विजन आप बोल सकते हो, और साथ ही साथ अंडर द ग्लास फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, जो बिल्ड क्वालिटी ये भी फोन की मुझे कमाल की लगी। गाइस, यहाँ पर आपको कोई 3.5mm हेडफोन को हटाया नहीं गया है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर बटन हर प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है तो फ्रंट में इतने सारे सेंसर्स रहते हैं, फ्रंट फेसिंग कैमरा रहता है, वो कहाँ गया? तो जो फ्रंट फेसिंग कैमरा का मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। गाइस, यहाँ पर जो रियर कैमरा वो तो आपको बैक साइड में मिलता है, फ्रंट फेसिंग कैमरा का जैसे ही आप बटन दबाते हो तो गाइस आप नीचे से आप बोल सकते हो आपके डिवाइस के जो टॉप है टॉप पोर्शन से यहाँ से फिंगरप्रिंट आपको निकल के बाहर आता है, जो कि अगर आप बैक जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो अंदर चले जाता है। वहाँ पर एक मोटराइज करके यहाँ पर एक यूज़ करा गया टेक्नोलॉजी, तो आप जैसे ही बटन दबाओगे तो उसका जो पोर्शन है वो बाहर आता है, और जैसे ही आप हटा दोगे तो वो नीचे चले जाता है। तो बहुत ही अच्छी आप बोल सकते हो खुफिया जगह यहाँ पर वीवो ने लगाई है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर आपको कोई मीमिक्स की तरह नीचे नहीं दिया गया, ना साइड में आपको स्क्रीन पर दिया गया, बहुत ही अच्छी जगह और सिक्योर जगह मुझे लगी फिंगरप्रिंट स्कैनर की। बाकी बात करते हैं यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाएगा वो फोन में। तो आप जैसे ही कान पे लगाओगे तो आपकी लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी, देन उसके बाद में हटाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्प्ले टर्न ऑन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं कि बात कैसे करेंगे, क्योंकि आपको कोई स्पीकर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। गाइस, जैसे कि आपको पता है Xiaomi Mi Mix में देखने को मिला था कि आपका डिस्प्ले जो है वो वाइब्रेट होगा और आपको डिस्प्ले में से साउंड सुनने को मिलेगा, तो जैसे आप कान पे लगाओगे तो पूरा डिस्प्ले में से आपको आवाज़ आने लगेगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीवो के मतलब तरफ से यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आए जा रही है, इनोवेशन आया जा रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट एक चीज़ मुझे ये वीवो की ये खराब लगती है कि वर्ल्ड वाइड तो ये लॉन्च कर देते हैं, बट हम इंडियंस हैं, इंडिया में इतने फ़ोन वीवो के बिकते, तो वीवो में ये फ़ोन क्यों नहीं लॉन्च करते? और अच्छी प्राइसिंग पे अगर वीवो ये सब फ़ोन इंडिया में लॉन्च करे तो डेफिनेटली वीवो का और अच्छा यहाँ पर जो इमेज है वो बन जाएगी। तो गाइस, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई कंपनी यहाँ पर नया स्मार्टफोन लॉन्च करती है अलग तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीवो का एपेक्स फोन, देख लेते हैं इंडिया में आता है या नहीं आता है, और आता है तो क्या प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।